सोम वर्ष पे धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ। इस जेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ, इनके चारों ओर फैल गए थे। रत्न में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिक पेड़ युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जल लगभग 22 करोड़ जीव मेगास्ट्रोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरसर समाप्त होने लगे थे और उनका जल डायनासोर आ गया था। कुछ चार पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस दो पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से बाहर पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित, तेजी से धरती पर पड़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों हाथी के पूर्वज डायनोफैक्स और घोड़े के पूर्वज योहिप्पस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े के पांव ध्रुवों पर बर्फ की चादर के इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप बेबी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक भारत का क्रमिक विकास शुरू हुआ। अन्य रूपों में परिवर्तित मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिए।